चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां वोटरों को लुभाती हैं, भरमाती हैं, ललचाती हैं और अगर जरूरत पड़े तो बूथ कैप्चरिंग करके धोखाधड़ी करने से भी बाज नहीं आती। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस घपले की बात करने जा रहे हैं उसके सामने बाकी सभी घपले फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये घपला इतना बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिल गई। तो क्या है वो घपला, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। ये बात 1927 की है जब अफ्रीकी देश लाइबेरिया में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे। लाइबेरिया उन अफ्रीकी देशों में से एक है जहां लोकतंत्र की स्थापना बहुत पहले से हो चुकी थी और वहां राष्ट्रपति का चुनाव सीधा लोगों की वोटों से किया जाता था। 1927 के इलेक्शन में दो लोग खड़े थे, चार्ल्स डी बी किंग और थॉमस जे फॉकनर। फॉकनर जहां एक नए कैंडिडेट थे तो वहीं किंग तब के मौजूदा राष्ट्रपति थे और दोबारा चुनाव लड़ रहे थे। खैर, 1927 के चुनाव हुए और इनमें चार्ल्स डी बी किंग विजेता रहे। किंग को जहां 2,43,000 वोटें मिली तो वहीं फॉकनर को महज 9,000 वोटें ही मिल पाई। अब आप सोचेंगे कि इसमें घपले जैसा क्या है, क्योंकि ऐसा तो चार्ल्स किंग की लोकप्रियता के कारण भी हो सकता है। लेकिन अभी आपने असली घपला सुना ही कहाँ है। इस चुनाव में फॉकनर को 9,000 और किंग को 2,43,000 वोट मिले थे। मगर कमाल की बात यह है कि तब लाइबेरिया में कुल वोटर ही सिर्फ 15,000 थे। मतलब तब वहां सिर्फ 15,000 ही ऐसे लोग थे जो वोट डाल सकते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि चार्ल्स किंग को 15,000 वोटरों वाले देश में लाखों वोटों से जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। चार्ल्स इतना बड़ा घपला करने के बावजूद भी 1927 से 31 तक राष्ट्रपति बने रहे। इसीलिए इस चुनाव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व का सबसे कपटपूर्ण चुनाव कहकर दर्ज किया गया और आज तक भी इसे याद किया जाता है। तो कैसा लगा ये चुनावी घपला, कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।